तो मैं हूं द लिटरेट मैन। आज बात हिपोक्रेसीज पे, 5 मिनट में 5 बातें। उन लोगों की जिनको धनिया पुदीना में फर्क पता हो ना हो, वो ट्विटर पे जरूर लिखेंगे व्हाट डज रिहाना नो अबाउट फार्मिंग। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्चुअली थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यूरोपियन यूनियन का एक डेलीगेशन आता है कश्मीर, 23 मेंबर्स का। वो आते हैं, श्रीनगर पहुंचते हैं और फिर डल लेक में नाव की सैर। यही डेलीगेशन फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है एंड इट डिक्लेयर्स, माने कि शांति का माहौल है, कश्मीर एकदम खुशहाल है। आपको मालूम होगा ही इंडिया किस हद तक कश्मीर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे डिफेंड करता है, एक्चुअली खुद को करता है कश्मीर के मामले में। यहाँ 3 बातें हैं, इनको परमिशन मिली क्यों, और परमिशन तो छोड़े, ये फोटो किसने खिंचाई है। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज एज गुड एज स्टेज्ड, कोई लोकल पत्रकार को एंट्री नहीं थी। इनसे पहले ऑपोजिशन वाले आए थे, उनको बोला श्रीनगर से जाओ वापस। तो ये इंटरनल मैटर में इंटरवेंशन क्यों अलाउ किया। पॉइंट नंबर 2, आपको हाउडी मोदी याद है, व्हाई वाज मिस्टर मोदी कैंपेनिंग फॉर ट्रंप। इलेक्शन से बड़ा इंटरनल मैटर किसी नेशन के लिए क्या होता है, उसे इन्फ्लुएंस करना कैसे साथ बैठता है उन बातों के जो आप अभी कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, चलो अब वापस आ जाओ, दीदी का तो सारा देख लिया ना आपने, ट्विटर पे मिट्टी भी नहीं की, पानी भी नहीं का, कीचड़ भी नहीं का, इस कीचड़ में छप छप भी यही करेंगी और फिर उसको टीवी पे भी लेके जाती है, कहां आपको पता है। डीफेम आप बहुत ही एक पोलाइट वर्ड यूज कर रहे हैं इसके लिए कि भारत को डीफेम करने की साजिश है। आई थिंक भारत के ब्रूटली टुकड़े करने की साजिश है। यहाँ पे ये मूवमेंट आग पकड़ेगी, चाइना से बॉर्डर पे जो है प्रेशर बढ़ेगा। 1000 साल की गुलामी हम लोगों ने सही है और शायद अगले और 1000 हमारे बुक हो जाएंगे गुलामी में। तो ये बहुत ही बड़े स्तर की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश के, ये किसान नहीं है, ये एक साजिश है रियाना, जिसने आज तक पूरे पेंडेमिक पे कभी एक बात नहीं कही। अचानक से उठ के एक दिन सुबह वो कहती है कि फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं, और उसने कम से कम, नहीं तो मैं आपको बोल रही हूँ कि उस ट्वीट का चार्ज किया होगा 100 करोड़ कम से कम। अरे बहन, तुझे रेट कैसे पता है? किसी ने दीदी को चुप कराने के लिए पिटीशन निकाला था, उसके तहत 18 करोड़ रुपए जमा हो चुके। मतलब व्हाइट हैट जूनियर के बाद अगर कोई लेफ्ट विंग और राइट विंग को साथ लाया है तो वो है दीदी। Feb 3, 2021 दीदी ने किया ट्वीट, लेफ्ट विंग रोल मॉडल वर्सेस राइट विंग रोल मॉडल। तो यहाँ दीदी ने कपड़ों से चरित्र का वर्णन करने का प्रयास किया, ढका हुआ बदन इक्वल्स टू सभ्य नारी। मगर दीदी शायद भूल गई कि उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की थी। इनकी पुरानी पिक्चर से 2-3 फोटोज में निकाल के यहाँ डाल दूं ना तो मेरी वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी, और हमें ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। December 23, 2020 यहाँ ये मेक्सिको बीच की इनकी फोटो बैकफायर कर गई। इनकी कंजर्वेटिव ऑडियंस ने इन पर ही अटैक कर दिया कि आपने पहना क्या हुआ है। इन हर डिफेंस दीदी ने अपने आप को वस्त्रहीन माँ भैरवी से कंपेयर कर दिया। कुछ भी शर्म नहीं आती है? नहीं। पॉइंट नंबर 4, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार हार्दिक पांड्या बढ़े हुए पेट्रोल के दामों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सेम फॉर करण जौहर। मगर फार्मर प्रोटेस्ट साइट से पानी का कनेक्शन काटा गया, ट्वीट करोगे घंटा। वहाँ से पब्लिक शौचालय हटाए गए, ट्वीट करोगे घंटा। महिलाएं शौच करने कहाँ जा रही हैं, ट्वीट करोगे घंटा। सिर्फ ठंड से इतने लोगों की जान चली गई। बिहार पुलिस ने नोटिस जारी किया कि जो भी धरना प्रोटेस्ट में शामिल होगा उन्हें गवर्नमेंट जॉब से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आपको नवदीप कौर के बारे में नहीं पता होगा, पुलिस कस्टडी में सेक्सुअल असॉल्ट, ट्वीट करोगे। खुद ये फिल्म कलाकार और खिलाड़ी अंदर की बात पर चुप रहते, लेकिन पॉप स्टार रियाना ने किसान आंदोलन पर छपी खबर को ट्वीट क्या कर दिया, सब कहने आ गए कि ये अंदर की बात है। लक्स विनस ने अपने बनियान के लिए एक अच्छी टैगलाइन बनाई कि ये अंदर की बात, अपना लक पहन कर चलो। पॉप स्टार रियाना के एक ट्वीट से सरकार इतने हिल गई कि कई खिलाड़ी और कलाकार बोलने आ गए कि ये अंदर की बात है। इस दलील से तो भारतीय न्यूज वेबसाइट को भी अमेरिका लंदन के लिए बंद कर देनी चाहिए ताकि किसी को पता ना चले, और हम सब गाते रहें अंदर अंदर बात चली है पता चला है, चड्डी पहनकर फूल खिला है फूल खिला है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अच्छा है ना गाना, आगे सुनो। पॉइंट नंबर 5, देखो मीडिया के पास है ना अभी थोड़ा सा काम आ गया है। पहले शाहीन बाग वालों को गाली देनी थी, फिर उसके बाद तबलीगी जमात को गाली देनी थी, और अभी कुछ टाइम के लिए फार्मर्स को गाली देनी है। मगर आप फिर से थोड़ा पीछे जाओ, याद करो जब इनके पास कुछ नहीं था करने को, बगदादी कोरिया किम जोंग उन, बगदादी कोरिया किम जोंग उन, और अब फिर से फ्रांस अटैक, कैपिटल हिल, 24 घंटा पाकिस्तान। जब दिल्ली राइड्स हुए थे तब ट्रंप ने इंडिया की पॉलिसीज को सपोर्ट किया था। पिछले 3 दिनों से दिल्ली जल रही है, लेकिन आज अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भारत में धार्मिक आजादी सबसे ज्यादा है, मुसलमान हाँ खुश है,
जब दुनिया ने माना कि देश में शांति है तो किसने रची साजिश। तब इन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा कि सीए आर्टिकल इन्होंने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। ट्रंप ने तारीफ की है ना तो ऑल गुड, मगर अब कह रहे हैं कि आज ये देश विरोधी रिहाना ग्रेटा गैंग। शर्म नहीं आती है? देखो रिहाना की पता क्या गलती है, वो सोच रही है कि इंटरनेट कनेक्शन काटना गलत बात होती है, उसको पता ही नहीं है हम इस काम में चैंप हैं। देखो वो ट्वीट सही हैं या गलत हैं, पेड हैं या अनपेड हैं, संक्षिप्त में बात बस इतनी सी है, लोकतंत्र भीतर पहनने वाला बनियान नहीं कि जब मर्जी कह दिया अंदर की बात, लोकतंत्र बाहर पहनी जाने वाली सफेद कमीज। डू यू गेट माई पॉइंट?